हेलो। देखिए, आज हम एक नए रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं। ये क्या किया था हमने कि जो दूध बच जाता था ना, तो उसका खोआ बना लेते थे औंट के। और खोआ बनाए तो ये थोड़े थोड़े दूध का इतना ही खट्टा हो गया। और ये क्या है, चीनी। और ये जो है, ये हमने खरबूजे के बिया जो है मिक्सी में पीस के और इसको चाल दिया चलनी से, तो ये उसका पाउडर है। तो वही हमने कहा कि आज जो है इसका हम घूने मानेंगे नहीं, ना चाशनी बनाएंगे, सब मिक्स करके इसका हम लड्डू बना लेते हैं। तो ये जो है इसमें खोए में डाल देंगे हम और खूब अच्छा इसको मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से मिला के बढ़िया लड्डू बांध देंगे। तो ये जो है वाइट वाइट एकदम बढ़िया बनता है। और इसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसी तरह जो है बर्फी भी बना सकते हैं। तो इसको सब मिक्स करके और जमा थाली में फैला के और फिर ऐसे हाथ से करके और बस चक्कू से काट दीजिए। तो वो हम नहीं करेंगे, हम लड्डू बना देंगे। ये सब चीज़ें हमने मिला दी। इलायची भी आप मिला सकते हैं, छोटी इलायची छील के और उसको कूट के मिला दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा आसान, ये बढ़िया जाड़े के दिन में अच्छा भी लगता है। वैसे आप भून भी सकते हैं, भून के और तब बनाइए, लेकिन हमने आज सोचा कि हम इस तरह बनाएं। ऐसे गोल गोल तो एकदम ये इजली जो है। तो आज हमने सोचा कि इस तरह बना लिया जाए, आप लोग भी बना के देखिएगा। ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो, बस इसी प्रकार आप लोग भी बना के देखिएगा कैसे बनते हैं और फिर बताइएगा कमेंट में। ये देखिए, देखिए हमारे तैयार हो गए। तो इसी प्रकार आप लोग भी बना के देखिएगा, जब दूध बच जाए तो बस और लिया करिए, और कई दिन का जब इकट्ठा हो जाए तो इतना तैयार हो जाए, फिर इस प्रकार बना लीजिए। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।